पानी ए बाणी है तुर की पानी सगली चिंत मटाए ऊंच नीच दे जात पात दे झगड़े कुल मटावे ए बाणी है सगली चिंत मचावे ऊंच नीच ते जात पात दे झगड़े कुल मटावे ए बाणी है हो छावे ऊंच नीच ते जात पात दे झगड़े कुल मटावे ए बाणी है वखो वख वेख
रब नू सारिया मन के दे अपने मजब दा रखिया पख वेखो इस गुरु ग्रंथ दे पन्नियां नू भावे किसे कसवटी दे रख वेखो ओ जात पात जमात दा वितकरा नहीं सबना भगता दी बाणी परतख वेखो ओ जेकर रजी कबीर जलाहे बाणी तां फरीद ते सदना कसाई भी है ओ जे रविदास चमार ते जट तना ओ नाम देव शी बासैन नाई भी है ज्ञान दा रवि है गुरु ग्रंथ साहिब किरण 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 जैदी कट दी हनेरा है यह ज्ञान दा रवि है गुरु ग्रंथ साहिब किरण 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 जैदी कट दी हनेरा है सचखंडो निकली रूहानी ते लसानी गंगा लहर 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 जैदी वंड दी सवेरा है इत्थे नित कोरियां कवारियां अनेक जिंदा नाम दे मजीठे रंग रंग दा रंगेरा है सतनाम बोल दे जो तेरा तेरा तोल देने सतनाम बोल दे जो तेरा तेरा बोल देने रब दियां मोतियां दा एहो मोती खाना है जिथों आके जग सारा चोलियां नू भर लवे गुरुआं दी जोत ते बाणी दा खजाना है दिन दुनिया दे मालिक वालिए कुल आलम साहेब कमाल शब्द गुरु तन तन साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज तिना दी पावन पवित्र निकी बारगा अंदर रात्रि दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे गुरु रूप गुरु खास साहत संगत जियो वडभागियो साहेब जी ने कृपा कीती है बबाणियां कहानियां पुत सपुत करेंदे मां वाका अनुसार आप जी सतगुरां दे पावन पवित्र चरणा विच बैठ करके अपने वड्डियां वडेरियां दा इतिहास सरवण करके साहब जी तो खुशियां प्राप्त कर रहे जे अवदास नूं कुछ कहण दी आग्या बख्शिश करो जितनी संगत आप जी गुरु बाबा जी दे पावन पवित्र चरणा विच बैठ करके सतगुरां दे दर्शन दिदारे कर रहे जे एक बार कहण ते गुरु फतेह दी सांझ पा दईए चार जुगां दा सिमरन है वधवान कहिंदा वाह वाह वास देव का जाप हा हा हर का
वड्डा प्रताप गग्गा गोबिंद गुणी निदान रारा राम नाम प्रदान वाहिगुरु शब्द के अखर है चार जो जन जपे सोतरे पार पार। एक वधवान कहता है वाहिगुरु मुख ते बोल देख अर्तेक फते जो प्रीत के साथ जपे तस की पावनी पूर्ण होत फते कोट असंख पाप किए एक वाहिगुरु नाम लिए सब जात हते बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत चढ़दी कला वाला उपराला श्रीमान संत बाबा गुरनाम सिंह जी कार सेवा वालिया ने ब्रह्म ज्ञानी पुत्रां दे दानी बाबा बुढ़ा साहब जिया का जन्म दिहाड़े नूं मनाउण वास्ते आप संगतां दे संजोग दे नाल रात्रि दे दीवाना दी आरंभता हुई है। इह सारियां दे हिस्से दे विच नहीं आया। बाबा बुढ़ा साहब जी का जिहड़ा जन्म दिहाड़ा है वह विरलिया भागा वालिया के हिस्से है जेडे वह बैठ करके उस साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के दर तो जिन्होंने रहमता लिया ने जिन्होंने सतगुरु जी ने कहा सी बुढ़िया तेथों वख ना होसा। फिर बाबा बुढ़ा साहब जी तो गुरु नानक महाराज जी के कोई फैसला थोड़ा रह गया इस करके असी उन्हों का बैठ करके प्रकाश पुरब जन्म दिहाड़ा मना रहे हैं। सतगुरु जी कृपा कर रहमत कर मेरे तो पहला कौम के महान विद्वाना ने आप जिया के नाल साहब श्री गुरु रामदास महाराज सोढ़ी सुल्तान जिन्हों का अज प्रकाश पुरब है सारी संगत के नाल मेरे कौम के महान विद्वान ज्ञानी गुरचरण सिंह गुरबचन सिंह जी कलसिया जिन्हों पर सतगुरु जी की अपार कृपा है कौम ने गोल्ड मैडलिस्ट के नाल उन्होंने सन्मानित किया है। आप जिया ने पी टी सी सिमरन उत्ते होर चैनलों के उत्तों मंजी साहब तो कथा करदियां सरवण किया होगा उन्होंने आप जिया के नाल साहब श्री गुरु रामदास महाराज जिया के महान जीवन के उपर आप जिया के दर्शन ददारे करवाए ने। उन्हां तो बाद मेरी कौम का सत्कारिया ते सन्मानिया कवि श्री जथा ज्ञानी दलबीर सिंह जी गिल जौड़ सिंह वाले जिन्हां दे नाल कौम दियां ओ महान वाजां ज्ञानी मेजर सिंह जी ते ज्ञानी भगवंत सिंह जी सबरा वो आप जिया दे नाल साहब श्री गुरु रामदास महाराज जिया के जीवन ते सांझ पा के गए ने। लड़ी आरंभ है तो मैं उस लड़ी के विच ही रहना है जितों उन्होंने लड़ी नूं छड्डिया है। धन्नवाद मैं उन्हां दा करदा है दिल दीआं गहराइयां तो विद्वान हो वह होया करदा है जिहड़ा मगर जत्था आउंदा होवे उहदे वास्ते कुछ छड्ड के जावे इस करके विद्वाना की दुनिया के तह दिलों धन्नवाद करदा है। तुहाडा भी संगत का भी करदा कि तुसीं गुरु बाबा जी के पावन चरणों में बैठे जी अज तुहाडा बैठना तुहाडा जागना गुरु बाबा जी के दर से प्रवान है क्योंकि जिहड़ा अज जागना उहदे विच बड़ा फर्क है जिहड़े असीं घरां विच जागदे ना टीवी वेख के जाग ले जां मोबाइल वेख के जां आसे पासे दीआं गल्लां करके जाग ले ओ जागना साडा प्रवान नहीं है। साहब जी कहिंदे जागण जागण नीका हर कीर्तन मह जागना सचमुच अज तुहाडा जागना प्रवान है अज तुहाडा बैठना प्रवान है अज गुरु रहमत बरतौंदा पिया है अज इत्थे सतगुरु जी अमृत वर्खा दे शैबरां लगियां होईयां ने। तो विद्वान कहिंदा जे रात फिर ना होगी जे बात फिर ना होगी जिहड़ी अज रात है ना अज असीं भागां वाले हाँ गुरु ने साडे चंगे नसीब लिखे ने ये चंगे तकदीरां दी बात होया करदी है। गुरु चरणा विच आउणा गुरु चरणा विच बैठ करके सत संगत दीआं घड़ियां मानणियां फिर बैठ करके अपने वड्डियां वडेरियां दा इतिहास सरवण करना। विद्वान कहिंदा जे रात फिर ना होगी जे बात फिर ना होगी बादल तो बहुत आएंगे बरसने के लिए मगर जे बरसात फिर ना होगी जिहड़ी अज कृपा वरतदी पई है अज गुरु चरणा विच बैठे हाँ पता नहीं कल ये घड़ियां साडे भागां च होणियां कि नहीं होणियां। अज असीं अपने घर कमलों के नाल कदमों के नाल चल के गुरु बाबा जी के दरबार में आए हैं पता नहीं फिर साडा इत्थे आउणा होणा कि नहीं होणा। गुरु बाबा जी कृपा करे रहमत बख्शिश करे आप जी जितने गुरु चरणों में बैठे जे साहब जी रहमतां दे नाल आप जी नूं नवाजण। मेरे तो पहला आप जिया ने साहब श्री गुरु रामदास महाराज जी का सोढ़ी सुल्तान पातशाह का इतिहास सरवण किया है ते उस वक्त रामदास सतगुरां जी के पावन पवित्र इतिहास नूं वाचिया है क्योंकि जे इहनूं सुनना होवे ते पढ़ना होवे ना बड़ा मजबूत दिल चाहिए बहुत ज्यादा इस करके ऐसा इतिहास मेरे गुरु रामदास महाराज जी का है क्योंकि दस दिता कि यह मनुख जे तू चाहना है
कि मेरे को धन दौलत नहीं है, नौकर चाकर नहीं है, पैसा नहीं है, मेरा कोई साथी नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, तो फिर गुरु की चरणा विच आ जा। रहमत उत्थे वरतदियां ने, जदों तू गुरु नूं चरणा दे विच आ जावेगा, याद रखी सारी दुनिया तेरे अगे झुक जाएगी। जिस वक्त साहब श्री गुरु रामदास महाराज जी लाहौर तो तुरे ना, जे भाई जेठा जी है लाहौर तो तुरे ने, माता पिता जी अकाल चलाना कर गए ने, ते दादी ने आख्या बेटा, नानी ने आख्या सी बेटा मैं चाहुंदी सां कि तेरा कोई चाचा ताया आउंदा, कोई चाची आउंदी, कोई तेरी भूआ आउंदी, वो आण करके तेरा सहारा बनती, क्योंकि माता पिता चढ़ाई कर गए ना, ते तेनू पता है कि बहुता समा मैं भी इत्थे नहीं रह सकती, गुजारा मेरा भी बड़ी मुश्किल चलता है, इस करके पर मैं देखिया बेटा सोडिया दे इन्ने घर लाहौर विच वसदे ने, पर तेनू कोई गल ना लाउण नहीं आया, तेनू किसी ने त्रवास नहीं दिता, ये गल नहीं कही जिठिया की हो गया, जे तेरा माँ बाप चढ़ाई कर गया असी तो है ना, जे तेनू वह प्रशादा छकाउंदे सी वक्री गल, अज तू वो ना साडे विच नहीं है, तो साडा अपना खून है ना, फिर की हो गया वह चले गए प्रशादा असी छकावांगे, पर बिपत परी सब ही संग छाड़त कौ ना आवत नेड़े, पता वो लगता सुखां दे सारे जार होंदे ने, सुखां वेले आण के तुहाडे कोल बैठदे ने, चार टके वेख के तुहाडे रिश्तेदार सज्जन मित्र बन जांदे ने, पता उदों लगता है जदों दाता जी कोल कुछ ना होवे। उस वक्त नानी जी कहन लगी बेटा मैं तो चाहुंदी सां उहनां दे हवाले करके जांदी, कुछ मेरी आत्मा नूं सुकून मिलता कि सामने वाला है मेरे दोतरे नूं, पर बेटा कोई नहीं आया, इन्ना घुग लाहौर वसदा है तेनू सामण वास्ते नहीं, तेनू तीरज देन वास्ते नहीं, तेरे अथरू पूंजन वास्ते कोई नहीं आया, पर बेटा मैं चाहनी कि आपां इत्थों चले जाइए, नानी जावांगे कित्थे, कहन लगी इको टिकाणा ओ है बासर के, जे तेरा मामा हुंदा ना वक्खरी गल सी, तेरा नाना हुंदा कुछ मैनू भी धीरज हुंदी, तेनू सामण वाला कोई है, बेटा इवें कर जिहड़े चार कपड़े है ना घर दे विच ओह अज तू झोले विच पा ला। नानी जी दे आखे लग करके बाबा जेठा जी ने वह चार कपड़े जिहड़े सन उहनू झोले दे विच पाया ते तुर लगे। नानी ने दरवाजा बंद किया, कुंडा लाया, जदों कुंडा लाया ना नानी का हाथ फड़ करके भाई जेठा कहन लगा नानी अज दरवाजा बंद करके चले, मैनू दस खुलेगा कदों, अज दरवाजा असीं बंद करके चले हाँ पर दसो खुलेगा कदों। नानी दियां ताहां निकल गईयां, आंदी लाल वे बंद जिन्ने करवाया है उहनू पता होवेगा ये खुलना कदों, लाल मैनू नहीं वह पता है कदों खुलना, मैनू तो मारन का पता है ना, रब मेरे को मरवाउण डिया, मैं नहीं चाहुंदी मेरी धी का दरवाजा बंद हो जाए, कोई चाहुंदा है किसे का दरवाजा बंद हो जाए, कहिंदे ना इहदा दरवाजा बंद हो गया मन रिहा ही कुछ ना, कोई नहीं चाहुंदी। हा वह भी नानी चाहुंदी है कि मेरे धी का दरवाजा, माँ चाहुंदी है कि मेरी माँ जिहड़ी धी है उहदा दरवाजा बंद हो जाए, कहन लगी लाल वे जिन्हें बंद करवाया पता भी उन्होंने एक खोलना कि नहीं है, उंगल लाया तुर लगे ने, ते भाई जेठा अपने सोडिया के घर वाल वेखता कोई तो होगा ना जेड़ा आन करके मैनू कहेगा लाल वे जेठिया किथे चलिया, फिर की हो गया तेरे माँ बाप तेरे तो विछोड़ा दे के चलाना कर गए, असी तो है ना असी तेनू सांभांगे, असी तेरी रखवाली करांगे, असी तेनू प्रशादा देवांगे। भाई जेठा देखता है, मैं कहना उदों हो सकता गलिया के कखा की भी कीमत पै गई हो, पर भाई जेठी नू किसी ने गल नहीं लाया, मां दिखती है आखिरकार उत्थों तुरे ने, ते जेड़े लोग गल्लां करदे सन अज जेठा जतीम हो गया है, इहदा बनेगा की, इहदी वंस किवें चलेगी, इहदा विआह किवें होवेगा, इहदा रहण टिकाणा कित्थे होवेगा, इहनू प्रशादा कौन देवेगा। सचमुच गुरु रामदास ते पुछदे सन कि जेठे दा अग्गे किवें चलेगा, वंश चलेगी, इतिहास दसदा है बेदियां दी केवल एक कोल गद्दी, साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज बेदी कोल है ना, उन्हां कोल केवल गुरु नानक पातशाह को एक जामा गद्दी, अगे त्रिण साहब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज आ गए उन्हां को केवल एक जामा गद्दी, अगे भले अमरदास गुण तेरे साहब श्री गुरु अमरदास भलिया दे कोल जामा एक गद्दी, ते जदों सोढ़ी सुल्तान पातशाह तख्त ते बैठते ना चली पीढ़ी सोढ़िया रूप दिखावन वारो वारी, मैं कहना सत जामे गद्दी साहब श्री गुरु रामदास महाराज जिया दे उस परिवार दे विच रही है सत जामे गद्दी। ते जेडे कहिंदे सन ना कि इन्हां दा प्रशादा किवें होवेगा, अज तुरिया है ना प्रशादा, प्रशादे करके सारे आपां तुरे फिरदे ना, इहनूं प्रशादा कौन छकावेगा, अज्ज वह गुरु रामदास महाराज का घर है जिहड़ा नताणियां नूं माण दिंदा है,
ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਯਤੀਮ ਆਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਗਰ ਛੱਕ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਤੀਮ ਹੈ ਨਾ, ਯਤੀਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੁੱਛਦਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਯਤੀਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਸਿੱਖਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਿੰਨੇ ਆ ਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅੱਜ ਟਿਕਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਨੀ ਲੈ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਸਰ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਰਵੇਗਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਢੱਠ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪਰ ਡਿੱਠਾ ਸਭੈ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਦ ਜਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਐਸਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਦਾ ਸਦੀਵ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਦੀਵ ਕਾਲ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅੱਜ ਘਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਾਵੇਗਾ ਕੀ, ਗਰੀਬ ਹੈ ਨਾ, ਯਤੀਮ ਹੈ, ਪਾਵੇਗਾ ਕੀ, ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਨਾਨੀ ਲਈ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਰੁਮਾਲਾ, ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦਾ। ਕਿੱਡੇ ਤੋਂ ਕਿੱਡਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਸ਼ਾਕ ਸਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਐਸਾ ਕਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਰੁਮਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਖਲੋ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਬਾਸਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਸਰ ਕੇ ਆਏ, ਸਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਾਨੀ ਆਪਣੇ ਦੋਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਈ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਪਰਚਾਵੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਣ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੇ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਗੁਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਠੋਕਰ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੜਫ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇਠਾ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਚਿੱਤ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਉਹ ਪਰਾਈਆਂ ਹੀ ਨਾ ਬਸਰਕੇ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। 92-93 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਗਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਨਾਨਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਮਾਮੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਸਲ 'ਚ ਮਾਮੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਬਣ ਜਾਵੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 22-23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਗਲੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਗਾਨੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਜੇ ਨਵਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਆਣ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਾਲ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠਿਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਲੰਘਣਗੇ, ਇੰਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਹੁਣ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਰੁੱਗ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਜੇਠਿਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਮੀ ਮਾਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਪਰਚਾਵਾ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਪਲਣਾ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਛਕਣਾ ਛਕਾਉਣਾ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਤੂੰ ਹੈ,
नानी अपने दोतरे नूं बासर के दिल लाउण वास्ते मामी मामियां च परचावा वरन वास्ते उस भाई जेठा जी नूं कुछ इउं कह रहे ने जी। सेवा ते सिमरन दी मूरत श्रीमान संत बाबा तारा सिंह जी सचखंड वासी महापुरख श्रीहाली साहब वाले उन्हां तों वरसाए हुए महापुरख श्रीमान संत बाबा कोला सिंह साहब जी अते श्रीमान संत बाबा गुरनाम सिंह जी मेंगापुर वाले उन्हां वल्लों इतिहास पेट असीसां दे रूप दे विच 100 दमड़ा भेजिया। गुरु बाबा जी कृपा करे, चढ़ती कला बख्शिश करे, 500 दमड़ा उन्हां वल्लों भेजिया गया असीसां दे रूप विच। सतगुरु जी कृपा करन, रहमत बख्शिश करन, बड़ी चढ़ती कला दे नाल जिथे वह गुरसिखी का प्रचार अते प्रसार करते पए ने उथे सतगुरु जी की अपार कृपा रहमत है। गुरधामां दी उसारियां अते समाजिक जिहड़े कार्ज ने उन्हां विच वी वध चढ़ करके हिस्सा पाउंदे ने। सतगुरु बाबा जी कृपा करन, चढ़ती कला बख्शिश कर उन्हां नूं। सरदार कफा सिंह जी का परिवार जिधर जत्थे रहिंदे ने, गुरमुखां प्यारियां वल्लों
सौ दमड़ा हाजिर होया है। गुरु बाबा जी कृपा करे, चढ़ती कला बख्शिश करे। भाई दलबीर सिंह जी जौड़ सिंह वाला उन्होंने वालों भी ढाडी जत्थे नूं असीसां दे रूप में माया आई है। सतगुरु जी कृपा करन, चढ़ती कला बख्शिश करन। नानी जी ने अपने दोतरे भाई जेठा जी नूं हुण नानके दिल लाउण वास्ते कहा है। माता जी तैयार करदे ने अपने पुत्र नूं जा करके दिल खेडण वास्ते, कहिंदे ने मामे मामियां दे विच थोड़ा चिर खेडदा है, दिल नहीं करदा क्योंकि अंदर अजे दुख बहुत वड्डा है ना। जिहड़ी मां कहिंदी सी बेटा मैं तेरा नां रख्या है जेठा, ना वैसे रामदास सी पर माता जी ने नां रख्या सी जेठा, ते जेठा कहिंदे ने वड्डे नूं। मां कहिंदी सी मैं तेनू बहुत वड्डा पुत्र बनाउणा है, पर अज मां अद्ध विचाले छड के चले गई। पिता ने कहा सी जेठिया की हो गया, मां चले गई है, मैं मां ते बाप दा दोवें प्यार तेनू दवांगा, जिहड़ियां तेरे मन विच रीझां ने, जो तेनू मां ने कहा सी मैं वड्डा करांगा, हां मैं तेनू वड्डा करांगा। माता ते पिता दोवें जिहड़े ने चढ़ाई कर गए ने, नानी ते कोल है, नाल तैयार कीता, उन्हां दा सिर वाया, उन्हां दा मूंह धोया, चंगे कपड़े पाए, पा करके कह लगी बेटा हुण जाके बाहर खेड के आ, छड़ दे उदासियां नूं हुण, छड़ दे भुला दे काम हुण पिछलियां गल्लां नूं, मैं चाहुंदी आ जाके बाहर खेड के आ। हुण भाई जेठा जी बाहर खेडण वास्ते चल गए, नानी बेंदी रही है, जिन्ना चिर बाबा जेठा जी दरवाजे तक ना उन्ना चिर नानी पिठ देखती रही है। बाबा जेठा जी थोड़े जे उल होए ते नानी अपने कार विहार करदे कम्मां दे विच जिहड़े ने रुझ गए। कुछ कु मिंट लंघे ते नानी ने की वेख्या, अज बाबा जेठा जी मंजी ते बैठे ने ते अखां मूंह उत्ते अपने हाथ दिते हुए ने। मां तां इक वारी रुक भरिया गया, हुणी मैं तोरिया सी एडी छेती वापस आ गए, चेहरा ढकिया है, पता नहीं की होया। कोल जा गए ने, जा करके मां ने अपने दोतरे दे सिर उत्ते हाथ फिरिए, कह लगे पुत्र जेठिया तेनू मैं हाणिया दे नाल खेडण वास्ते बाहर तोरिया सी, एडी छेती आ गया, की गल हुई, दिल नहीं किया, रोंदा क्यों है, मैनू लगता तेरे दोस्त नहीं ना बने होने, मित्र नहीं बने होने, नवा नवा तू बसर के आया है ना, तेरे अजे मित्र नहीं बने होने, दोस्त नहीं बने होने, उन्हें तेनू खड़ाया नहीं है, तार रोना है। कहिंदा नहीं मां इस करके नहीं मैं रोंदा। फिर रोना क्यों है, कह लगे मेरे मित्र भी बन गए सी, मेरा उन्हां च दिल भी लग गया सी, मैं खेडन भी लग पिया। मां कहिंदी होया की, कह लगे जदों खेडदा सी ना मैं अपने साथियों के नाल, अपने दोस्तों के नाल, मित्रों के नाल, एकदम उन्हां दियां मावां आ गईयां, आन करके उन्हां दे मोढे तो फड़ के, उन्हां दे हाथ तो फड़ के, गुट्टा तो फड़ के कह लगियां इहदे नाल ना खेडियो, ये बड़ा करमां दा मारिया जी, इहदे नाल ना। अज तो नहीं खेडना मां, उन्होंने फड़ के मावां उन्हां दियां अंदर लै गईयां। मैं इन्ना ही माड़ा, नाले रोई जांदा है, नानी दे बदो बदी अखां दे विच हंजू आ गए, मां मैं इन्ना माड़ा है, मैं इन्ना ही कलैणा है, लोकी कहिंदे मेरे मथे ना लगो, सचमुच मां मैं इवें दा है। अज उन्हां नूं पुछ के वेखीए, जिहड़े कहिंदे सी ना गुरु रामदास महाराज नूं मथे नहीं लाउणा, इहदे मथे लगना चंगा नहीं है, असीं वी जाणे ना गुरु रामदास महाराज दे स्थान ते, अमृत वेले उठे होंदे ने, कवाड़ बंद होंदा है, फिर तरला लैने दोवें हथ जोड़ के, तरला लैने ना कि महाराज जी कृपा करो, दर मांगे ठाडे दरबार, तुत बिन सुरत करे कौन मेरी, दर्शन दीजै खोल कवाड़, तरले लैने ना गुरु रामदास महाराज दे। मैं कहना जिहड़े कहिंदे सी मथे लगना माड़ा है, अज वो लोग तरसदे पए ने गुरु रामदास महाराज दे मथे लगन वास्ते, अज वो लोग तरले लेंदे पए ने गुरु रामदास महाराज दे मथे लगन वास्ते, अज लोग वो जोदरियां करदे ने, तरले लेंदे ने, गुरु रामदास महाराज तेरे दर ते किते दर्शन ददारे हो जावे। ताई ते सिखां ने आपां अरदास करदे आ ना, ते उत्थे आपां गुरु रामदास महाराज दे घर दे दर्शन इशनान मंगदे आ, कैसा सतगुरु रहमत है। हुण मां घुंगणियां बनाउंदे ने, कहि लगे पुत्रा गुजारा बड़ा औखा है, इस करके मैं तेनू घुंगणियां बना दिनी है, तू जाके वेच के आया कर, जिन्ना कि तू वेच के आएगा वट होवेगी उन्ना कि गुजारा हो जाया करेगा। हुण इसे तरह करना, मां ने घुंगणियां उबाल के देनिया, भाई जेठा जी ने सिर ते शाबा चुकना, देखो वह सतगुरु जिन्हां दे सिर ते दीन दुनी दा छत्र चलाउणा है, अज सीस उत्ते उन्होंने शाबा चुकिया,
चुक करके पिंड अविच आवाज दिंदे ने घुंगणियां वास्ते। याद रखियो घुंगणियां गरीब बंदा खांदा अमीर बंदा नहीं। इस करके हुण इसे तरह गुजारा चलता रहा। एक दिन ऐसा आया भाई जेठा जी छेती वापस आ गए। छेती वापस आए नानी ने पूछा कह लगी जेठिया अज घुंगणियां भी ज्यादा सन रोज नालों ते आ भी तू छेती गए की होया की कारण है। जिवें बाकी मावां अपनियां अपने पुत्र नाल प्यार करदियां ना मैनूं भी कोई पुत्त सच्ची पुछो ते लख मन ता दिल विच तार दी मां जदों रब नमाणी नू भाग लावे ते आउणा जग ते सफल विचार दी मां रिड़दा वेख के खिड़दा है चित्त ओदा